क्या अपने विनाश की ओर बढ़ रही है मोदी सरकार? कोरोना की भयावह त्रासदी के बाद इस देश की जनता आर्थिक तंगी से तंग आ चुकी है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने तंगहाल देश की जनता को ही लूटने का रास्ता अख्तियार कर लिया है। विगत 70 सालों की बात करें तो ऐसा दुर्दिन कभी देखने का मौका इस देश की जनता को नहीं मिला। आज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। इससे रोजाना की चीजें दो गुना दामों में बेची जा रही है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों ने शतक पूरा कर लिया है और रसोई गैस तकरीबन 1000 के करीब पहुंच गई है। यही हो हाय तौबा करने वाले, महंगाई के खिलाफ हो हल्ला करने वाले बीजेपी के लोग हैं, जब मनमोहन सिंह की सरकार के समय पेट्रोल की कीमत महज 65 रुपए थी और डीजल 45 रुपए और रसोई गैस 445 रुपए। मोदी सरकार देश के नाम पर देश की जनता को खुलेआम लूट रही है, लेकिन ये पैसा आखिर जहां कहां रहा है? अर्थशास्त्रियों की माने तो ये लूट का पैसा 2022 में आने वाले चुनाव में इस्तेमाल किया जाने वाला है। जैसे कि बंगाल के चुनाव में बीजेपी वालों ने हर कैंडिडेट के लिए 100 से 200 करोड़ रुपए उस चुनाव में फूंक दिए थे। क्या सत्ता हासिल करना ही मोदी सरकार का असली मकसद है? तो इसका जवाब हाँ है। मोदी सरकार बगैर सत्ता के नहीं रह सकती। मोदी सरकार किसी भी कीमत पर देश की सत्ता हथियाना चाहती है, लेकिन क्या इतना आसान है? जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। मोदी के कार्यकाल में देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। चारों तरफ अराजकता का माहौल है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब गई है, और सही माने तो देश अब किसी भी नए चेहरे की तलाश में है। जनता अब बदलाव लाना चाहती है। देखना यह है कि 2022 के यूपी के चुनाव और 4 राज्यों के चुनाव और 2024 में केंद्र के चुनाव में क्या नया परिवर्तन आता है।